नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन की जानकारी होगी वो होगी मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल गुजरात तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इस ट्रेन का पूरा नाम है मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये जो ट्रेन है अब अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर बात करें इस ट्रेन के बारे में तो ये वंदे भारत टाइप की ट्रेन है और ये जो ट्रेन है हफ्ते में 6 दिन चलती है, बुधवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलती है और मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल की जो दूरी है 6 घंटे 25 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 7 स्टेशन हैं। 522 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 81 किलोमीटर पर आवर। वेस्टर्न रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है। 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार और बाकी 14 AC चेयर कार के कोच हैं। अगर रूट मैप के बारे में बात करें तो ये मुंबई सेंट्रल से अपनी यात्रा जो है स्टार्ट करती है, फिर बोरीवली होते हुए ये ट्रेन जो है वापी में पहुंचती है। वापी के बाद ये ट्रेन जो है सूरत गुजरात में पहुंचती है, फिर वडोदरा जंक्शन, उसके बाद अहमदाबाद जंक्शन होते हुए ये ट्रेन जो है गांधीनगर कैपिटल में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। इस यात्रा को करने के लिए 520 किलोमीटर के करीब यात्रा अपनी करती है। अगर टिकट किराए के बारे में बात करें तो इस वंदे भारत एक्सप्रेस में 2 तरह के कोच हैं, एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोच हैं। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो कोचेस वाइज पर सीट किराया मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल तक का आगे बताऊंगा। तो मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस में एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो पर सीट किराया है वो है 2435 रुपये, जो कि मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल तक का बता रहा हूँ, जिसमें बेस फेयर है 2017 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 60 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज है 75 रुपये, GST चार्ज 108 रुपये है जी, और कैटरिंग चार्ज यानी खाने पीने के चार्ज जो हैं वो है 175 रुपये, जो कि ऑप्शनल होते हैं, आप चाहे तो ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एसी चेयर कार के तकरीबन 14 कोचेस हैं, जिसका मुंबई से गांधीनगर तक का किराया है 1255 रुपये, 975 रुपये बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 53 रुपये है और 142 रुपये कैटरिंग चार्ज भी शामिल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो गांधीनगर तक चलती है, हफ्ते में 6 दिन चलती है। मुंबई सेंट्रल से बुधवार को छोड़कर बाकी सभी दिन ये ट्रेन जो है सुबह 6 बजे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 6 घंटे 25 मिनट बाद ये ट्रेन जो है गांधीनगर कैपिटल में पहुँचती है दोपहर के 12:25 पर और इसके तकरीबन 7 स्टेशन हैं, 522 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का है वो है बोरीवली। बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र में सुबह 6:23 पर पहुंचती है और 6:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 30 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर रणकपुर एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है, इसके बाद गुजरात में एंटर करती है। गुजरात के वापी रेलवे स्टेशन पे सुबह 7:56 पर पहुँचती है और 7:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 170 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। वापी का स्टेशन कोड है VAPI और इसके बाद मुंबई सेंट्रल गांधीधाम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो गुजरात के दूसरे स्टेशन सूरत रेलवे स्टेशन पर सुबह 8:55 पर पहुँचती है और 8:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 263 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है ST। इसके बाद मुंबई सेंट्रल से गांधीधाम कैपिटल तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वडोदरा जंक्शन गुजरात में सुबह 10:13 पर पहुँचती है और 10:16 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 392 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर काफ़ी ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है, इसका स्टेशन कोड है BRC। इसके बाद मुंबई सेंट्रल गांधीधाम कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अहमदाबाद जंक्शन गुजरात में पहुँचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 11:25 पर पहुँचती है और 11:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 492 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है ADI। इसके बाद मुंबई सेंट्रल गांधीधाम कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन गांधीनगर कैपिटल है गांधीनगर कैपिटल में दोपहर के 12:25 पर पहुँचती है
और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक कि जो टोटल दूरी है 520 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।